इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने वित्तीय विवरण क्या है और कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में पढ़ा। आइए हम कुछ आईएमपी क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट में आपको पूछा जाएगा कंपनी के चिट्ठे तथा फर्म के चिट्ठे में क्या अंतर है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं विधान का लागू होना। कंपनी के चिट्ठे पर कंपनी अधिनियम 2013 लागू होता है। कंपनी के चिट्ठे के अंतर्गत फर्म के चिट्ठे के अंतर्गत भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। ठीक है, ये इसमें एक अंतर है। सेकंड है क्रम। इसमें संपत्ति एवं दायित्व का स्थायी क्रम होता है। इसमें संपत्ति एवं दायित्व का तरलता के क्रम में लिखा जाता है। इसमें स्थायित्व तो होता है और इसमें तरलता के अनुपात में लिखा जाता है। फिर अगला है प्रारूप। यह निर्धारित प्रारूप लंबवत फॉर्म में, कंपनी का हम लोग जब चिट्ठा बनाते तो वो लंबवत फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला इसमें है कि इसके लिए कोई विशेष फॉर्म निर्धारित नहीं किया जाता। यह क्षैतिज यानी कि छोटे रूप में भी बनाया जा सकता है। फिर अगला है तुलनात्मक संख्याएं। इसमें चालू वर्ष की संख्याओं के साथ साथ पिछले वर्ष की संख्याओं को भी देखा जाता है। ठीक है, इसकी तुलना पिछले वर्ष के संख्याओं से की जाती है, इसमें ऐसा नहीं होता है। फिर है पूंजी व दायित्व का वर्गीकरण। इसमें समता एवं दायित्व शीर्षक के अंशधारियों के कोष अंश आवेदन पर प्राप्त राशि आवंटन पूर्ण न होने पर गैर चालू व चालू दायित्व लिखे जाते हैं। इसमें इस प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं होता है। फिर अगला है संपत्तियों का वर्गीकरण। इसमें इसमें संपत्तियों को दो वर्गों में बांटा जाता है, गैर चालू संपत्ति और चालू संपत्तियाँ। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें संपत्तियों का वर्गीकरण नहीं किया जाता। फिर है लाभ हानि की राशि। इसमें लाभ तथा हानि के विवरण के प्राप्त शेष संचय व आधिक्य उपशीर्षक में लिखे जाते हैं। इसमें लाभ की राशि साझेदारों की पूंजी में जोड़ दी जाती है तथा हानि की राशि को उसमें घटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंपनी के वित्तीय विवरण चिट्ठे की विवरण को पढ़ा था। ठीक है, चिट्ठे का विवरण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कैसे तैयार किया जाएगा। अब हम अगला प्रारूप एक देखते हैं जो कि ये आईएमपी है। ये भी आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 में निर्धारित प्रारूप के कंपनी के लाभ हानि विवरण तैयार करने का प्रावधान है। यह विवरण लेखांकन अवधि में कंपनी के संचालन के शुद्ध परिणामों को दर्शाया जाता है। इसे आय विवरण भी कहा जाता है। तो चलिए इसके अंतर्गत हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ऊपर में दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ हानि का विवरण। फिर है नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम दिखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड, लाभ हानि विवरण डैश तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। रुपए इन यानी कि रुपयों में इसकी राशि दर्शाई जाती है। ठीक है, इसका भी वही हमारा होगा कॉलम विवरण, नोट क्रमांक, चालू वर्ष की राशि और पिछले वर्ष की राशि। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के 4 हमारे कॉलम बनेंगे। सबसे पहला हमारा इसमें क्या आएगा, रिन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, संचालन से आए। ठीक है, संचालन से आए। सेकंड हमारा है अदर इनकम यानी कि अन्य आय। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके टोटल हमारा जो आएगा वो हम लोग थर्ड पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, टोटल हमारा आय कितना हो रहा है। फिर अगला है हमारा फोर्थ पॉइंट एक्सपेंसेस यानी कि हमारे व्यय। इसके अंतर्गत हम अपने व्ययों को दर्शाएंगे, जिसमें हमारा पहला आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंसम्ड यानी कि सामग्री की लागत, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यानी कि व्यापारिक स्टॉक का क्रय, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड। ठीक है, तैयार माल के स्टॉक में परिवर्तन, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, चालू कार्य एवं व्यापारिक सामग्री की लागत। ठीक है, एम्प्लॉयज बेनिफिट्स एक्सपेंसेस फाइनेंस कॉस्ट, इसे बोलेंगे हम कर्मचारी के लाभ हेतु व्यय, जो हमारे व्यय हुए हैं। इसके अंतर्गत वित्तीय लागत आएगा। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन
ये होगा डेप्रिसिएशन हमारा होगा हमारा हास, अदर एक्सपेंसेस होंगे हमारे अन्य व्यय, इन सब को टोटल एक्सपेंसेस, टोटल हमारा योग, व्ययों का योग हम इसमें करेंगे, टोटल बिफोर सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, लाभ कर के पूर्व, ठीक है, ये हमारा होगा कैसे थर्ड पॉइंट में हम जब फोर्थ पॉइंट को माइनस करेंगे, इसमें हम लोग सॉरी थर्ड पॉइंट जो हमारा ये हम लोग का निकलेगा, इन दोनों को प्लस करके हमारा थर्ड पॉइंट निकलेगा, थर्ड पॉइंट में जब हम लोग ये फोर्थ पॉइंट को माइनस करेंगे हमारा निकल जाएगा, इसमें टैक्स को माइनस करेंगे लेस टैक्स यानी कि टैक्स को माइनस करेंगे और हमारा निकलेगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, हमारा लाभ हानि विवरण की हमारा इसमें ज्ञात हो जाएगा जब हम लोग टैक्स प्रॉफिट लाभ से पहले सॉरी टैक्स के पहले लाभ और टैक्स माइनस करके जो हमारा निकलेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके अंतर्गत हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स देखते हैं। चिट्ठा किसे कहते हैं, यह संपत्ति एवं दायित्व का विवरण अर्थात एक निश्चित तिथि को वित्तीय स्थिति का विवरण है जिसे स्थिति विवरण भी कहा जाता है। ये आपका यहाँ पे टॉपिक है, आपको इसमें टिप्पणी में या किसी चीज़ में पूछा जा सकता है। लाभहानि विवरण किसे कहते हैं, यह लेखांकन अवधि के व्यवसाय के संचालन के परिणामों को दर्शाया जाता है। इसमें आय विवरण भी इसे कहते हैं, ठीक है। लेखांकन अवधि में हमारे कितने लाभ और हानि हुए इसके अंतर्गत उसे दर्शाया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे हमारे चालू दायित्व क्या है, चालू दायित्व गैर चालू दायित्व इसमें हमको बताया गया है, जो चालू दायित्व जो 12 माह की अवधि के अंदर हो, गैर चालू दायित्व जो 12 माह की अवधि के बाहर हो, चालू संपत्तियां किसे कहती हैं कि इसकी मदें क्या हैं यह आपको पूछा जा सकता है, गैर चालू संपत्तियां किसे कहते हैं, रोकड़ रोकड़ तुल्य क्या है, व्यापारिक प्राप्त क्या है, अल्पकालीन ऋण, संचालन से आय, कंपनी को जो आय लाभार्जन हेतु संचालन क्रियाओं में व्यावसायिक क्रियाओं में अर्जित होती है उसे ही हम संचालन से आय कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का हुआ कंपनी के वित्तीय विवरणों की थ्योरी जिसे आप प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।